शिवाय। ओम नमो नारायण। परमात्माओं, परम भक्तों, दिव्य आत्माओं, सत्संग में बैठे हुए महापुरुषों, आपके निवेदन पे आपने जो रात को मुझे मेल किया, एक सज्जन का मेल आया, उसमें एक विचित्र बात पूछी गई कि हे प्रभु, मृत्यु क्यों आती है और घटना क्यों घटती है। आज का मूल मंत्र इसी पे आधारित है कि जब भी कोई काम होता है, शुभ या अशुभ, उसका कोई ना कोई कारण होता है। मृत्यु वो सच्चाई है जहां पे हमें पहुंच के मुक्ति मिलती है, लेकिन डर हम सबको लगता है। भाइयों, माताओं, बहनों, मृत्यु तो वो है जीवन से जिसका मिलन होना है, ये सत्य है। आत्मा तब तक अधूरी है, ये शरीर तब तक अधूरा है जब तक ये मृत्यु में शमशान में विलीन न हो जाए। पंच तत्व से बने और पंच तत्व में विलीन हो जाता है ये शरीर। आत्मा अमर है, लेकिन एक बार भगवान और काल की लड़ाई हो गई। लड़ाई का भी छोटा सा एक कारण था, मृत्यु कहने लगी कि मैं तो बहुत बुरी बन गई हूं, जो भी हो ये काल मृत्यु जो है उठा ले गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुझे वरदान देता हूं, मृत्यु जब भी आएगी या कोई भी घटना विपरीत घटेगी, उसका कोई ना कोई कारण होगा। आज भी आप लोग देख लीजिए, किसी की मृत्यु होती है, पता चलता है उसने रात को अच्छे खासे आए, सोए, चाय मांगी, थोड़ी सी खांसी आई और चले गए। नई बाइक ली, घूमने निकले, चले गए। तो इस संसार में जो भी आया है कोई ना कोई कारण से ही जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है मृत्यु को। और काल कैसे आता है, आज इसे कथा के माध्यम से आपको सुना जाते हैं। एक नौजवान लड़का था, 18 वर्ष का भी नहीं हुआ था। अगले दिन उसका बर्थडे था, बर्थडे के लिए गिफ्ट में बाइक उनके पिताजी ने मंगवाई थी। सत्य घटना है, 2 साल पुरानी घटना है। पिताजी ने बर्थडे पे कि मेरा लाल बर्थडे है, मैं अपने लाल को एक मोटरसाइकिल दूंगा। मोटरसाइकिल जिद की उस लड़के ने, उस बालक ने जिद की कि पिताजी आज ही मैंने टेस्ट ड्राइव लेनी है। पिताजी ने चाबी दी, रात का समय था, एक वो और एक उसका मित्र दोनों निकल पड़े, दोनों घर वापस नहीं आए। आई तो उनके जाने की खबर, छोटे से चौराहे पे ट्रक ने उन दोनों को कुचल दिया। तो भाइयों, बच्चों को बाइक ना दें, और दूसरा कि उसका काल आना था, काल जो है वो मोटरसाइकिल में आया। अब मृत्यु भी पक्की थी, काल महाकाल कैसे बना, ध्यान दीजिए। छोटी सी गलती कितनी बड़ी हो गई।
जो भी घटना घटेगी वो तो लिखा हुआ है घटके ही रहेगी। जहां पे हमारा खून बहना है वहां छोटी सी खून की धार बह जाएगी। तो जो प्रभु का स्मरण करेगा वो परम धाम को जाएगा। प्रभु का स्मरण आप हरे रामा हरे कृष्णा या ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। हो सके तो महामृत्युंजय जाप अखंड ज्योत के साथ 21 दिन तक कीजिए। किसी की अकाल मृत्यु होने वाली है वो भी टल जाएगी। मृत्यु के मुख से बचाने का एक ही मंत्र है, जो जपेगा सो जिएगा। तो परम आत्माओं परम भक्तों, ये जो छोटे छोटे उपाय हैं ये आप अपनी जिंदगी में उतारिए और अपने घर संसार को सुखमय बना दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय ओम नमो नमः।